एक शख्स मछल मारा था, क्या था आपके एरिया में भी मछली होता, वो मछली मारा बेचारा मछली मारने गया। अब मछली मारते मारते बेचारा पूरा दिन गुजर गया, उसको मछली नहीं फंसा, एक मछली फंसी छोटी सी बड़े खूबसूरत। अब वो सोच रहा है बेचारा मछली बाजार में लेके जाएंगे 10-20 टका कोई देगा, बोला चलो इससे बेटर है कि बीमा भारती भवानीपुर में है, चलो उसी को तोहफा में दे देते हैं, कहीं 1500 मिल जाए। गया बेचारा बीमा भारती के पास, बोला हजरत आज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। दिया तो देखा, अरे बड़े खूबसूरत मछली है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मछली को इतना खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत जिसका हद नहीं। राजा को देखते ही खुशी महसूस हुई, अपने वजीर आला को बोला, ए वजीर आला जाओ 1000 दिनार लेकर आओ, इस मछलवाड़े को दे दो और इन्हें इनाम के तौर पर इसे दे दो, इसे घर भेज दो। मछलमारा को 1000 मिला, बड़े खुश हुआ, ओ आज तो बड़े खुश, 20 टका वाला मछली 1000 रिया मिल गया, बेचारे खुशी के मारे घर चले गए। अब औरत तो औरत होती है ना, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे आपकी माँ बहन हो, औरत बड़े शातिर होती है, वो पैसे को बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ती है, गलत बोल रहा हूँ, पकड़ती है ना। मैं भी जाऊंगा ना यहाँ से, मेरी बीवी कहेगी रात हम जलसा गए थे तो कितना पैसा लेके आए, हम कहेंगे दिया था 1000 दिया भगवान का। अच्छा देखिए ये हर घर का मामला है। और वो औरत जो है राजा की बीवी कहती है, आप एक तो इतना बड़ा मछली का 1000 दे दिए, उससे पैसा वापस लेना है। बोला अरे ये राजा के शान के खिलाफ है, मैं किसी को इनाम दे दूं, मैं किसी को तोहफा दे दूं और मैं वापस पैसे ले लूं, ये राजा के खिलाफ की बात है, ये मेरे शान के खिलाफ है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। औरत बड़े शातिर होती है, कहती है मैं वापस लूंगी, मेरे पास एक आइडिया है। बोला वो क्या आइडिया? बोला मछली वाले को बुलाओ। मछली वाले को बुलाया गया, बोला मुझे मछली वाले को कहा कि मुझे ये बताओ, औरत बड़े शातिर होती है, वो पहले दिमाग लगा ली, उसको पूछेंगे कि ये मछली मर्द है या औरत है, मर्द है या औरत है। अबे मछली को बता पाइएगा कि मर्द है औरत है, अब बता पाइएगा नहीं ना। तो मछलवाड़ा को बुलाया गया, बोला अगर मर्द कहेगा तो हम कहेंगे ये मछली औरत है, हमको मर्द का जरूरत है, मर्द है तो हम कहेंगे हमको औरत का जरूरत है। मछलवाड़ा बड़ा तेज था, बोला क्या ये मछली, हमको एक बात बताओ, ये मछली जो है औरत है या मर्द है, मेल है या फीमेल है, ये है क्या? मछलवाड़ा वाला, ये ना मेल है ना फीमेल है, ये खंसा है यानी हिजड़ा है। राजा बड़ा चिंतित में हो गया, बड़े खुशी हुई भाई ये मछली वाला तो बड़ा तेज निकला। फिर वजीर बोले अरे जाओ इसको 1000 और इनाम दे दो। औरतिया का दिमाग खराब है कि नहीं? फिर चला गया, अरे औरत का दिमाग फिर खराब है, बोले नहीं उससे पैसा वापस लेना। फिर बुलाया गया, मछली वाले आए, बोला कहा तुम ये बताओ ये मछली ना ही मर्द है ना ही औरत है, यह खंसा है, हाँ इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ये ले जाओ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है, ले जाओ। बोला ठीक है आप पैसा वापस ले लो, मैं मछली लेके जाता हूँ। पैसा वापस करने लगे, एक दीनार गिर गया, क्या हुआ? एक दीनार, उस वक्त पैसा नहीं चलता था, रुपया सिक्का नहीं चलता था, उस वक्त दीनार चला करता था, एक दीनार गिर गया। दीनार गिरा, राजा के दरबार में यह कानून था कि जो पैसा गिर जाए जमीन पे चले जाए वो पैसा उठाया नहीं करता था, वो राजा के शान के खिलाफ हुआ करता था। वो मछलवाड़ा पैसा उठा लिया, अब नीचे गिरा, भाई गरीब आदमी है, अब उसको दीनार मिल रहा है छोड़ेगा? नीचे गिरा बेचारा, झट से उठा के हजरत आपका पैसा आपका आपके हवाले। बोला तुम पैसे उठा लिए, ये मेरे शान के खिलाफ है, ये मेरी बेइज्जती है। वो मछलवाड़ा कहता है हुजूर हुजूर मैंने जो काम किया है ये आपके शान के खिलाफ नहीं, ये अदबन है, मैं आपका अदब और एहतराम करता हूँ, मैं आपका इज्जत करता हूँ, इसलिए कि इस सिक्के में इस दीनार में आपका फोटो लगा हुआ है, मैं ये नहीं चाहता इस रास्ते से कोई गुजरे और आपके फोटो को पैर देते हुए चले, इसलिए मैं इसको उठा लिया। राजा बड़े खुश हो, बोला ये तो बड़ा ठीक बोल रहा। फिर वजीर गए, अरे जाओ इसको 1000, पता ही चला कि 1000 के चक्कर में 4000 दिनार चले गए और औरत
अपना दिमाग लगाने के लिए नहीं छोड़ी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, औरत औरत होती है, औरत औरत होती है, औरत किसी की बात को नहीं मानती है, चाहे वो राजा हो या फकीर हो, शाही खानदान हो या गरीब हो, औरत औरत होती है। वजह यह है कि औरत बाएं फसलों में पलती है। औरत कहाँ पलती है? बाएं फसलों में पलती है, मर्द दाएं फसलों में पलता है। इसके वजह इसकी वजह है कि औरत टेढ़ी होती है, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो किसी की माँ, औरत टेढ़ी होती है, वो किसी की नहीं सुनती। अब मैं बिला ताखीर बिला तमहीन बच्चों के प्रोग्राम इनामी प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी करते हुए जनाब हजरत मौलाना साद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा कुर्सी पे आ जाएं, और जनाब हाफिज कारी आरिफ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी इधर आ जाएं। आप दोनों मिलके बच्चों का जो प्रोग्राम है, आप दोनों मिलके बच्चों का प्रोग्राम का जो ये इनाम है, नतीजा है, अब उन तक पहुंचाए। अब मैं आप हजरत से गुजारिश करूंगा, अगर मेरे बोलने में या कुछ कहने में कोई कमी हुई हो तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि मुझे माफ कीजिएगा। माफ करेंगे? एक बार हाथ उठाइए ना भैया, नहीं कीजिएगा माफ, है ना? ये बंदे का हक है, ये बंदे का हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे का हक कभी माफ नहीं करते हैं। अगर आप किसी के एक कट्ठा जमीन या एक घोर जमीन दे लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको माफ नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बंदों का हक कभी माफ नहीं करते हैं। वजह है वो हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह नहीं है, अल्लाह का हक है, वो माफ कर देगा, लेकिन बंदों का हक अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी माफ नहीं करेंगे जब तक के बंदे माफ नहीं करते। इसलिए मेरे बोलने में किसी को तकलीफ हुई, मैं उससे गुजारिश करता हूँ वो मेरी गलती को बराए मेहरबानी माफ कर देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हजरात अकलमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, शोर वाले हैं, अगर मुझसे बोलने में कोई कमी हो तो माफ कीजिएगा। मैं अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा, अगर मेरे बोलने में चाहे वो किसी भी एतबार से गलती भी हो तो बराए मेहरबानी माफ कीजिएगा, अगर कुछ कमी हुई हो तो मेरी इसलाह कीजिएगा, ताकि आइंदा मैं किसी प्रोग्राम में जाऊँ तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँ। मैं इसी बात पे हजरत वाला का हजरत वाले को मैं माइक देता हूँ, उसके बाद जो है अब जनाबे दिल है, माइक है, रात है, बाकी सब हजरत के हाथ।